नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से काफी देर तक आसपास अफरा तफरी भी मची रही। अभी मौत किन कारणों के चलते हुई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मालूम चल पाएगा कि मृतक की मौत किन कारणों के चलते हुई है। जांजगीर जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति का शव मिला। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में मृतक की शिनाख्त अशोक कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताते चले कि मृतक नीले कलर की पैंट और लोई ओढ़े हुए मिला है। मृतक की आंख के पास खून भी निकल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि मृतक की मौत किन कारणों के चलते हुई। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि मृतक ठंड में सो गया होगा और ठंड के कारण उसकी मौत हो गई होगी, या फिर सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हुई होगी। फिलहाल अभी मृतक के मौत के कारण रहस्यमय है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जांजगीर से संवाददाता मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट। ये मुलमुला थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें ग्राम कोसा के ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई कि कोसा में सबरिया डेरे के पास एक संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। वहाँ पर जब पुलिस की टीम पहुँची और बाद में उसकी शिनाख्ती हुई, तब पता चला कि उसका नाम अशोक कुमार यादव है और संदिग्ध परिस्थिति में उसका शव पड़ा हुआ मिला था, जिस पर मर्ग कायम किया गया है और उसमें शव को पीएम के लिए भेजा गया है। शव की जब पीएम रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद ही जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.